दोस्तों आज मैं लेके आऊँ फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है सामने Realme 7i। आज की इस वीडियो में आपको Realme 7i का गेमिंग रिव्यू कर बताऊंगा और आपको बताऊंगा इसका गेमिंग परफॉर्मेंस। अगर आप इसके प्रोसेसर की बात करते तो आपको इसके अंदर मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको कॉल ऑफ ड्यूटी गेम प्ले कर बताऊंगा। तो चलिए जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। तो यहाँ पे गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलते हैं तो क्या डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स आपको इस फोन में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिंपली आपको जैसे सेटिंग में जाना है, देन ऑडियो एंड ग्राफिक्स। आपको ग्राफिक्स मिलते हैं लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है और फ्रेम रेट आपको लो, मीडियम, हाई का ही मिलता है। तो यहाँ पे अब जो हम गेम प्ले करेंगे, ग्राफिक्स क्वालिटी मीडियम रहेगी और फ्रेम रेट हम यहाँ पे हाई रखकर खेलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टीम डेट मैच खेलकर बताऊंगा ताकि जल्द से आप इसका गेमिंग परफॉर्मेंस देख सकें। Back up.
यहाँ पे आपने देखा हमें मिल चुकी थी विक्ट्री। अगर आप इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते तो काफ़ी अच्छा आपको रियलमी 7 में गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाता है। लैग वगैरह का इशू तो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। COD मोबाइल जैसे बड़े गेम्स आप आसानी से रियलमी 7 में खेल सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गायरोस्कोप ऑन कर खेलते हो या नहीं। मैंने यहाँ पे जो गेम प्ले किया उसमें गायरोस्कोप ऑन था, बट डिपेंड करता है कि आप क्या सेंसिटिविटी पे आप खेलते हो। सो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।